नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे से होंगे और आप सब खूब खुशहाल होंगे। जीवन आप सबका अच्छा होगा, मज़े में होंगे, आपका जीवन अच्छा से चल रहा होगा, आपके लोग अच्छे से होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज का विषय है कि नेकी कभी खराब नहीं जाती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जीवन में जब भी आप कुछ काम करते हैं, आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, तमाम तरीके की बाधाएं आती हैं और वो बाधाएं टल जाती हैं, या कुछ ऐसा अनहोनी आपके साथ होता है कि जो बाल बाल आप बच जाते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आती होंगी कि जो सोचते होंगे कि ये तो संजोग की बात है, और हर बात पे, हर हनोनी पे, हर घटना पे, हर दुखों तकलीफों में जब आप सकुशल अपने जीवन में वापसी करते हैं तो उसको आप संजोग का नाम करते हैं कि संजोग से फिलहाल हमारे कहने का मतलब बहुत ही सीधा है कि कभी भी जब आप नेकी करेंगे, कभी भी दूसरों की मदद किए रहेंगे तो ये कभी दगा नहीं देती है। ये कर्मों के फल के साथ साथ ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है और ये वो आपको वापस करेगी। आप किसी के साथ मोहब्बत करके देखिए, आप किसी के साथ न्याय करके देखिए, आप किसी की मदद करके देखिए, किसी के साथ खड़े होकर देखिए, किसी के दुखों तकलीफों में जाकर उसकी सांत्वना दे कर देखिए, भूखे को खाना खिला कर देखिए, प्यासे को पानी पिला कर देखिए, नंगे लोगों को कपड़ा दे कर देखिए, किसी के दुख सुख में जाकर देखिए। ये मेरा दावा है और ये हकीकत भी है, और मुझे इस बात को कहने में थोड़ी भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस दिन आप नेकी करना स्टार्ट कर देंगे, आज नहीं तो कल, आपको परिणाम सुखदायक मिलेगा। आपके दुख तकलीफ कट जाएंगे, आपके तकलीफ आने से पहले आपको पता चलेगा, और आप सामना करने के लिए आपको एक मजबूत ताकत आपको ईश्वरीय देन में मिलेगा। आप कहीं गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो होना था, क्लियर है, लेकिन हो गया और आप बच गए, संजोग नहीं होता है साहब। अपने कर्मों में किसी न किसी के साथ आपने न्याय किया होगा, किसी भी व्यक्ति को आप खुश कर दिए होंगे, वो आपको आशीर्वाद दे दिया होगा, और आशीर्वाद जो मन से देता है वो पड़ता है। तो इसलिए आप नेकी को मत भूलिए, नेकी कीजिए, दरिया में डाल दीजिए। नहीं है वो आपको दरिया में डालना है तो उसको प्रेरित करिए, दिखाइए लोगों को कि मैंने किया नेकी, ताकि उसकी लोग नकल करें और आगे बढ़ें। नेकी दिखाना भी जायज है और नेकी छुपाना भी जायज है, आपका जो मन करे वो कीजिए, लेकिन नेकी करिए। एक बार की घटना है, मैं एक रिश्तेदारी में गया था, ऑन रोड हाईवे पे मैं अपने गाड़ी को राउंडिंग ले रहा था, घुमा रहा था। मुझे वो दिन याद है, मैं भूलता नहीं हूँ। मौत हमको छू कर चली गई, और जिस तरीके से मौत ने हमको छुआ, फोर व्हीलर गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी ने जिस तरीके से हमको कुचला और जिस तरीके से हम बचे, वो एक संजोग नहीं था। और जब से मेरा वो एक्सीडेंट हुआ, मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, मैं कर दे रहा हूँ, तब मुझे लगा कि नेकी की दीवार बहुत मजबूत होती है। मैं कैसे बच गया? थोड़ी देर बाद मुझे कहा कि मैं कैसे बच गया, मुझे बचना नहीं चाहिए था। तो किसी ने कहा कि ये संजोग है, कि ना, ये संजोग तो हो ही नहीं सकता साहब, ये तो नेकी है हमारी जो हमने कमाया है, और नेकी कभी बुरा नहीं सोचती है,
इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के करता हूँ कि हर एक शख्स के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, अच्छे चरित्र के साथ रहें और उसकी मदद करें। और जब भी मदद करें, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे बोल कर करें, निस्वार्थ भाव से करें। आज के लिए इतना ही। आप सब लाइक करें, सब इसको कमेंट भी कर दें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, क्या दिक्कत है ये भी बता दीजिएगा। मैं तो आपके लिए ही बोलता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए समझता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अच्छी चीज़ों को आप तक मैं पहुँचाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे। आप सब मेरा ये वीडियो हो लिंक जो है दूसरे साथियों को भेजिए, कम से कम कि वो लोग सब्सक्राइब करें, और आप बताइए कम से कम कि ये वीडियो अच्छा लगता है हमको, आप इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरा भी जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, आप समझ रहे हैं ना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे।